गाइस नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मार्केट स्वीप या लिक्विडिटी स्वीप। यूजुअली जब भी ये स्वीप की जब कॉन्सेप्ट आती है तो सही ये टॉपिक है ना, ये सबसे कब फेमस हुआ था, जब मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सब कोई लोग यहाँ वहाँ पे सब कुछ सर्च कर रहे थे। बट क्या मार्केट एसएमसी पे आप रियली ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट स्वीप हुआ है या नहीं? मैं पर्सनली एक एसएमसी ट्रेडर हूँ, जितना मुझे कंफर्मेशन एक ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट चार्ट यूज करके मिलता है, उतना कंफर्मेशन ना ही अब तक मुझे कोई प्राइजेक्शन पे नहीं मिला, ना ही किसी में एसएमसी ट्रेडिंग में मिला, ना ही मुझे आईसीटी में मिला। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेटा हमें मिलता है, जो मार्केट का जो डेटा, कहाँ पे कितने लिमिट बायस लिमिट सेलर्स, मार्केट बायस मार्केट सेलर्स, वहाँ पे कितने वॉल्यूम से ट्रेड किया है और उनका इफेक्ट ऑन पर्टिकुलर कैंडल पे क्या था, ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही खास तरीके से यहाँ पे हमें पता चल जाता है। ओके सो अब हम जो बात करने वाले हैं मार्केट स्वीप के बारे में, पहला हम ये जान के लेते हैं कि मार्केट स्वीप का डेफिनेशन हमारे गूगल बाबा क्या बोलते हैं। तो लेट्स गो टू द गूगल बाय, मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ हूँ। सो सम वॉट हियर द मार्केट स्वीप, ऐसा कुछ प्रोसेस है जहाँ पे कुछ ऑर्डर का जो एडवांटेजेस है वो लिक्विडिटी मल्टीपल ऐसे कुछ प्राइस पे, जो मल्टीपल प्राइस पे लिक्विडिटी बैठे हुए थे तो उनको सभी लिक्विडिटी को मार्केट से उन सभी को ऑर्डर फिल कर देना, एक ऐसा प्रोसेस को यहाँ पे मार्केट स्वीप पे यहाँ पे बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे ये समझ के लेना है कि मार्केट स्वीप कैसे होता है और किसका कौन मार्केट स्वीप करता है। तो इसके लिए हमें पहला एक और एक जो वर्ड है स्वीप, स्वीप का मतलब क्या है? यूजुअली वही स्वीप का मतलब है कि साफ करना। साफ क्या करना है यहाँ पे? ऑब्वियसली जो लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर जो मार्केट में अपना ऑर्डर लगा के बैठे हुए से रोते हैं, उनकी ऑर्डर को वहां से स्वाइप करना या स्वीप करना। तो यूजुअली हमेशा जो मार्केट में जो लिक्विडिटी लाते हैं ना, लिक्विडिटी मार्केट में कौन लाते हैं? लिमिट बायर्स एंड लिमिट सेलर्स मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं, और मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर्स मार्केट में लिक्विडिटी को फिल करते हैं। लिक्विडिटी फिल करता है या कुछ लिक्विडिटी का जो स्वीप करता है मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो किनका होता है लिक्विडिटी, कौन जनरेट करता है? लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स। तो लिक्विडिटी स्वीप कौन करता है? मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स। आई होप ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो अभी हम इस जगह पे देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं तो उनका मार्केट से स्वीप कौन करेगा? बड़े बड़े नंबर से या कुछ बड़े मल्टीपल प्राइस पे कोई लिमिट सेलर्स बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका स्वीप करेगा मार्केट बायर्स ही, उनको ऑर्डर फिल करेगा। और ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे हमें जो लिमिट बायर्स मिलेंगे या लिमिट बायर्स मल्टीपल जगह पे बैठे होंगे तो उनका स्वीप कौन करेगा? मार्केट सेलर करेगा। तो अब हम देखेंगे रिसेंटली गो चैटिंग एंड माइक्रोटर्स के कोलेबोरेशन के उनके हिसाब से वहाँ ने उन्होंने एक इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था। वो इंडिकेटर आपको चार्ट पे प्लॉट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर फ्लो, एंड हियर वी हैव अ ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स का इंडिकेटर पैकेज यहाँ पे आपको मिलेगा। फर्स्ट अपॉन ये अगस्त तक आपको ये फ्री मिलेगा, अगस्त के बाद यू नीड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर दोस। अभी जब ये इंडिकेटर प्लॉट यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे कंडीशन डालना है कि दीज आर द कंडीशंस वी हैव मार्केट शिप। आई होप को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू जस्ट जस्ट नीड टू एनेबल दिस। यहाँ पे जो दो वैल्यूज यहाँ पे आती है तो इसका मतलब क्या है अब हम यहाँ पे समझ पे लेंगे। तो फर्स्ट आपको ये स्टैक अकाउंट तो आपको ऑलरेडी देख चुके होंगे क्योंकि ये स्टैक इम्बैलेंस में भी ऑलरेडी आ चुका है, स्टैक इम्बैलेंस में भी आ चुका है जहाँ पे मल्टीपल प्राइस पे बड़े बड़े वॉल्यूम वहाँ पे ट्रेड हुआ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसे लेवल्स दिखा दो जहाँ से 10,000 से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो, वो भी मल्टीपल स्टैक्स में। ओके तो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक 100% होना ही है, तो अगर एक बीच का अगर कोई मिसिंग वॉल्यूम होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक के ऊपर एक रहना चाहिए, राइट? तो कंटिन्यूशन रहना तो ये थोड़ा सा एक प्राइस भी अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये होना है कि एटलीस्ट तीन स्टैक में वॉल्यूम कितना स्वीप होना चाहिए? 10,000 यहाँ पे उसका वॉल्यूम स्वीप होना चाहिए। अभी हम आते हैं टू फाइंड दोज। मैंने यहाँ पे अपना कंडीशन डाला है कि जो थ्रेशोल्ड का वैल्यू है वो हर एक स्टॉक और हर एक जो अपनी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड करते हैं वो हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है। यू नीड टू प्ले विद दिस नंबर्स। आपको पहला क्या करना पड़ेगा कि ऐसी जगह देखना पड़ेगा कि वहां पे वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहा है,
ऑन एवरेज वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, एक्सट्रीम वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, वो देख के ये वैल्यू यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो अभी मैं निफ्टी फ्यूचर चार्ट में तो अप्लाई ये कर रहा हूँ, तो देन इसीलिए मैंने यहाँ पे 10,000 का एक वॉल्यूम यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, मैंने जो इनपुट्स डाले थे वो थ्रेशोल्ड का, तो ऐसे कुछ मुझे तीन प्राइजेस बता दो जहां पे 10,000 से भी ज्यादा वॉल्यूम का यहाँ पे स्वीप हुआ, उतना ही कंडीशन इस पर्टिकुलर चीज का है। तो अब हम जाते हैं चार्ट पे, अब यहाँ पे हम क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इन्होंने यहाँ पे किनका वॉल्यूम सीप किया है या किसका लिक्विडिटी सीप किया है, इन्होंने यहाँ पे लिमिट बायर्स का जो एक स्वीप है वो इन्होंने, मार्केट सेलर्स ने लिमिट बायर्स का यहाँ पे स्वीप किया है। सो लिमिट बायर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे इन्होंने स्वीप किया है। तो जब भी आपको रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में मार्केट सेलर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से उन्होंने ऑर्डर इस जगह पे पंच किया है, ये समझ के लेना। तो सेकेंड चीज, जब भी आपको ऐसा कुछ ब्लू बॉक्स दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट बायर्स बहुत ही एग्रेसिव है, और उन्होंने यहाँ पे लिमिट सेलर का लिक्विडिटी यहाँ पे उन्होंने स्वीप किया है, राइट। तो मैं आपको इन द डीप में जाके मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो कि बड़े बड़े वॉल्यूम्स कहाँ पे है, राइट। सो वी हैव अ बिगर वॉल्यूम एट दिस साइड्स, 14K, 15K, 9K एंड 4K, राइट। यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे जो इतने जो भी बैठे हुए हैं ना, ये सभी लिमिट ऑर्डर्स है, लिमिट सेल ऑर्डर्स है, ओके, लिमिट सेल ऑर्डर्स। यहाँ पे मार्केट बायर्स ने क्या किया है कि सभी लिमिट सेल ऑर्डर्स को यहाँ पे उन्होंने फिल किया है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, इन एटलीस्ट मुझे ऐसे तीन स्टैक्स मुझे दिखा दो जहां पे 10,000 से भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ, फॉर एग्जाम्पल इस जगह, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस जगह भी हुआ होगा ना, ऑब्वियसली मुझे बड़ा किस तरफ हुआ है वो दिखाई देता है, राइट। तो अगेन यहाँ पे जो जितने भी जो लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं, इनका जब आप वैल्यू कंबाइन करोगे तो ऑब्वियसली इट्स मोर देन 10,000, एंड और इसके वजह से इन्होंने यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स यहाँ पे हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स बैठे हुए थे, जो पर्टिकुलरली इस लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह प्राइस को इस लेवल में होल्ड करने की जो कोशिश इन्होंने की थी, वो अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली उतना स्ट्रांग कैंडल ऊपर क्लोज होने की वजह से यहाँ पे वो नाकाम रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बायर्स का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। तो आप एसएमसी ट्रेडर्स और कोई अगर इंडिया में कोई आईसीटी ट्रेडर्स होगा तो मुझे ये बता दो कि यार रियली ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एसएमसी और आईसीटी में मिलता है, तो देन प्लीज लेट मी नो। एंड ये थी अबाउट मार्केट, इस पर्टिकुलर मार्केट में यहाँ पे लिमिट सेलर का स्वीप किसने किया है, मार्केट बायर्स ने। तो यहाँ पे मार्केट बायर्स बहुत ही एग्रेसिव थे, इसीलिए हमें यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन वी हैव अ समथिंग हियर, अब यहाँ पे देखो वी गॉट अ रेड बॉक्स। रेड बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्केट सेलर्स एग्रेसिव थे, और इस जगह पे सबसे ज्यादा जो लिमिट बायर्स थे उनका ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ है, राइट। तो ये जब बातें आपको यहाँ पे समझ में आती है, यहाँ पे मार्केट सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, या कोई इस जगह पे कोई लिमिट बायर ज्यादा बैठे हुए हैं, या यहाँ पे कोई लिमिट सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, तो आपको ये बातें समझ के लेनी है कि अगर वहां पे अगर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, राइट। तो वो देखे अपना ट्रेड इनिशिएट हम यहाँ पे कर सकते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस टूल हम बोल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कौन एग्रेसिव है, और मार्केट में जो एक एक प्राइस को जो होल्ड करने की जो ट्राई कर रहा था, इधर लिमिट बायर्स कर रहे थे या लिमिट सेलर्स कर रहे थे, उन सभी ऑर्डर को एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर जो मार्केट में आते हैं उनका कंप्लीटली व्यू चेंज कर देते हैं, और मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो हमें ये कहाँ पे पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ जब हमें फुटप्रिंट कैंडल कैसे हमें रीड करना आता है, तभी हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम देख सकते हैं, तभी हमको ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है,
तो इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ यूजिंग दिस फुटप्रिंट चार्ट एनालिसिस में, बहुत ही काम की चीज है। आई डोंट नो कि कितने लोग अभी भी इंडियन मार्केट में एसएमसी अप्लाई करने का, ट्रस्ट मी ब्रदर, इंडिया में ईएमए यूज होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग काम में आता है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिया में काम नहीं आता। इंडिया का मार्केट ही वैसा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए आपको पेशेंस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको वहां पे प्लॉट होना जरूरी है, और स्पेशली एसएमसी काम में आता है वो है सिर्फ फॉरेक्स में। ओके, तो ये चीजें थी जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि एग्जैक्टली मार्केट स्वीप क्या होता है और इसका पर्टिकुलर बॉक्स का मीनिंग क्या है, किस कलर का बॉक्स क्या बताता है आपको, इसको इसका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कंबाइन करके आपको एनालिसिस करना है, राइट। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना तो कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा, और यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स का मीनिंग क्या है और रेड बॉक्स का मीनिंग क्या है, किसमें कौन एग्रेसिव है, किसमें कौन यहाँ पे वीकनेस है, इसमें हमें यहाँ से सबसे इजीली पता चल जाता है। जो और ऐसा एक भी इंडिकेटर नहीं है, एक भी डेटा नहीं है, ऐसा कोई भी एक ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे देता है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ऑटो फ्लो में पता चलता है, राइट। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ये मार्केट शिप के बारे में। यहाँ पे हमें एग्रेसिवली ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट में एग्रेसिव कौन थे, सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन थे, और उनका स्ट्रेंथ क्या था, उनका जो जितनी भी उन्होंने अपना स्ट्रेंथ डाला है क्या वो इफेक्ट में आया है, या वो मार्केट से वहां से रिवर्सल मारेगा, क्या करेगा, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मार्केट स्वीप इंडिकेटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो आई होप यू गॉट सम आइडियाज कि आपको आपको मैंने तो आपको यहाँ पे ये बताया कि ये इंडिकेटर कैसे काम में आता है। अब आपको ये देखना है कि इसको आप किसके साथ कंबाइन करके क्या डेटा आप निकाल सकते हो, और आपको इसमें यूज करके आप आपका जो भी जो एनालिसिस हो, एनालिसिस कैसे आप में सुधार कर सकते हो या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल मिला होगा, तो देन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इतना सारा इन्फॉर्मेशन इवन माइक वोल्टॉस ने अपनी वेबसाइट में भी नहीं डाला। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में विथ नए टॉपिक के साथ। देन तब तक मैं क्या बोलता हूँ कि सीखो, पहले मार्केट में सीखो, तब अच्छे बड़े से प्रॉफिट में बनाओ, राइट। तो कहना है कि प्राइज एक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइज एक्शन काम में नहीं आता, एंड वही है, यही सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड।